डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हमने यूनिट शुरू किया हुआ है बिजनेस सर्विसेज़ का बिजनेस सर्विसेज के यूनिट के अंदर मैंने आपको शुरू में एक पेट्रोल पंप बिजनेसमैन की एक एक स्टोरी सुनाई थी एक केस स्टडी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद मैंने आपको बिजनेस सर्विसेज़ की कुछ फीचर्स बताई थी नेचर बताई थी कि बिज़नेस सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती है वो हैट्रोजीनियस फोर नेचर की होती हैं उसमें इन्वेंट्री लॉस होता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी या इनसेपरेबिलिटी होती है और कस्टमर्स पार्टिसिपेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बिजनेस की सर्विसेज़ हैं वो पांच तरह की होती हैं पहली है बैंकिंग सेकंड इंश्योरेंस थर्ड ट्रांसपोर्टेशन फोर्थ इज वेयर हाउस एंड फिफ्थ इज कम्युनिकेशन इतना काम हम लोग पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं अब हम अब हमारा जो स्टार्ट होता है काम वो होता है कि हम इन सभी पाँच की पाँच सर्विसेज को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आता है बैंकिंग आज हम शुरू करते हैं बैंकिंग की सर्विसेज को कि आखिर बैंक होता क्या है और बैंक हमें किस किस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ओके नाउ कम द बैंकिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंकिंग का मीनिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोटी नाइन बैंकिंग का मीन्स क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट अगर बैंक की बात करें तो बैंक अकॉर्डिंग टू इंडियन बैकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक जो है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई भी ऐसी संस्था जो बेसिकली दो काम करती है उसको हम बैंक का नाम दे देते हैं पहला काम क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कि जो पब्लिक से डिपॉजिट्स को अक्सेप्ट करती है और दूसरा काम क्या है उस डिपॉजिट को जो डिपॉजिट बैंक ने अक्सेप्ट किया है उसको या तो लोन के रूप में दूसरे व्यक्ति को देगी जिनको कि लोन की जरूरत है पैसे की ज़रूरत है या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी किसी भी किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर जिससे कि इनकम जनरेट हो तो बेसिकली बैंक कौन हुआ बैंक वो संस्था है, बैंक वो इंस्टीट्यूशन हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसी डिपॉजिट को किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को जिनको लोन की ज़रूरत होती है उनको लोन में लोन के फॉर्म में देते हैं या फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स दो को दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स हम ये देखेंगे कि कि बैंक पब्लिक से डिपॉजिट कितनी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं मिनटों तो से जो पब्लिक है वो कितनी तरह से बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवा सकती है तो हम यही टाइप्स ऑफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फॉर डिपॉजिट इसका मतलब ये है कि बैंक हमारे पास से पब्लिक से जनरली पाँच तरह से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है अगर अदर वर्ड्स की बात करें इन अदर वर्ड्स की बात करें तो पब्लिक कैन डिपॉजिट इन द बैंक इन अ फाइव वे फाइव तरीके हैं पांच तरह के पांच तरह के अकाउंट्स हैं जो बैंक, जो जनरल पब्लिक बैंक के अंदर खोल सकती है अपनी डिपॉजिट्स को, को पता होते हैं बड़े सींपल, सींपल से है। है। सबसे पहले हमारे पास आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ए पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट आई रिपीट ए पर्सन कैन ओपन ए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सम मनी एक व्यक्ति बड़ी स्मॉल अमाउंट के अंदर भी अपना सेविंग का अकाउंट बैंक के अंदर खुलवा सकता है ओपन करवा सकता है और जब उसको जरूरत होगी वो व्यक्ति बैंक से उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकता है बैंक एक चेकबुक प्रोवाइड करता है आज की डेट में पैसा विड्रॉ करने के लिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक एटीएम प्रोवाइड करता है और आज की डेट में तो मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी आ चुकी है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी आ चुकी है जिससे एक व्यक्ति किसी भी टाइम पर पैसा विड्रॉ कर सकता है इस तरह के अकाउंट के ऊपर नॉर्मली बैंक डिपोजिटर को पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है मिनटों से एक इनकम भी मिलती है अगर कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है तो उसको कुछ ना कुछ इनकम भी एज अ इंटरेस्ट रिसीव करता है दूसरा हमारे पास आता है करंट अकाउंट करंट अकाउंट का जो अकाउंट है वो नॉर्मली एक बिजनेस मैन अप बिजनस ओपन करवाता है एक बिजनेसमैन नॉर्मली एक बिजनेसमैन को डेली बेस पर काफ़ी काफ़ी बार ट्रांजैक्शंस करनी होती है मीन टू से वो बहुत बार एक ही अकाउंट के अंदर बार बार डिपॉजिट भी करवाना पड़ सकता है उसको और बार बार उसके अंदर से वो उसको विद्रॉ करवाना भी पड़ता है तो नॉर्मली करंट अकाउंट जो खुलवाते हैं वो बिजनेस क्लास कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी खुलवाती है और इस अकाउंट uh, के ऊपर बैंक नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता इनफैक्ट वो उसके ऊपर इस अकाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ सर्विसेज चार्ज सर्विस चार्ज के नाम पर कुछ ना कुछ अमाउंट लेता है सर्विस चार्ज के रूप में अमाउंट रिसीव करता है मेन टू से बिजनेसमैन इस अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर पाते तीसरा हमारे पास आता है आर डी आर डी मतलब रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट मैं इसको रिपीट करता हूँ अ डिपॉजिटर कैन डिपोजिट अ फिक्स अमाउंट फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड आप देखिए इस लैंड का मतलब समझिए एक डिपॉजिटर एक फिक्स अमाउंट को हर महीने एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट बैंक के अंदर करवाता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर और रिपीट करता हूँ मान लो एक व्यक्ति सौ रुपये हर मंथ मान लीजिए एक तारीख को हर महीने की एक तारीख को एक व्यक्ति सौ रुपये हर मंथ जमा करवाता है और एक साल के लिए करवाता है मेन टू तो से फिक्स पीरियड हो गया जिसकी उसको एक साल के लिए हर महीने सौ रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने ही करवाने हैं इन टोटलिटी वो बात साल के अंदर उसको बारह इंस्टॉल बारह पेमेंट्स देगा ट्वेल्व पेमेंट्स देगा और ट्वेल्व ट्वेल्व इन टू इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएगा आफ्टर वन ईयर उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा एक साल के बाद उस पैसे उस पैसे के ऊपर बैंक विद इंटरेस्ट बैंक जो है विद इंटरेस्ट डिपॉजिटर को वापस पैसे कर देगा इसके ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक व्यक्ति रिसीव करता है नॉर्मली सैलरीड क्लास के पर्सन जो होते हैं वो इस तरह के अकाउंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं और हर महीने इस तरह के अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाते रहते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट क्या है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक व्यक्ति एक डिपॉजिटर को मिलता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर एक व्यक्ति अपनी अमाउंट को अपने पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देता है फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति बैंक के अंदर दो साल के लिए एक लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट में डलवा देता है अब अब वो व्यक्ति दो साल के बाद ही अपने पैसे को रिसीव करेगा दो साल तक वो पैसे बैंक के अंदर क्या हो गए फिक्स हो गए उनको एक व्यक्ति विड्रॉ नहीं करेगा बिफोर टू इयर्स और एट द एंड ऑफ टू इयर्स उस व्यक्ति को विद इंटरेस्ट वो पैसे वापस मिल जाएंगे इसीलिए इसे क्या कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है नॉर्मली जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो थ्री मंथ से लेकर मिनिमम थ्री मंथ्स और मैक्सिमम फाइव ईयर्स के लिए ओपन किए जाते हैं जितना लंबा टाइम पीरियड होगा फॉर एग्जाम्पल फोर ईयर्स फाइव ईयर्स उतना ज़्यादा उसके ऊपर बैंक की तरफ से ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में दैट इज़ मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट जो है वो कोई नया अकाउंट नहीं है बल्कि वो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट का मीन टू से सेविंग डिपोजिट अकाउंट का और फिक्स डिपोजिट अकाउंट का अब इसके अंदर होता क्या है इसके अंदर बैंक जो है एक अपने कस्टमर को अपने क्लाइंट को या आप कह सकते हो डिपॉजिटर को दो फैसिलिटी इकट्ठी देता है मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है कि मान लीजिए बैंक ने लिमिट सेट करी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कि जैसे ही किसी व्यक्ति लिमिट सेट करी 25,000 फाइव कि जैसे ही किसी डिपॉजिटर के अकाउंट के अंदर पच्चीस हज़ार रुपये से जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो सारे के सारे एफडी के अंदर चले जाएंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर चले जाएंगे और उस उस अमाउंट के ऊपर पच्चीस हज़ार से ऊपर के अमाउंट पर उसको क्या मिलेगा एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा मैं इसके आगे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ कि जैसे किसी आ, किसी व्यक्ति ने मान लो मिस्टर ए ने एक के मिस्टर ए के बैंक अकाउंट के अंदर मान लो थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज डिपोजिट हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके तो वो क्या होगा थर्टी फाइव थाउजेंड में से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस कर दो गए टेन थाउजेंड थाउजेंड के ऊपर तो उसको एफ डी का इंटरेस्ट मिलेगा और जो उसके हमारे के अंदर, कोई भी हमारे का, कंट्री के अंदर है उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप्स के अकाउंट्स से जो ओपन किए जाते हैं राइट right? मैं होप करता हूं कि आपको आज, आज की वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हम फिर आप आगे का टॉपिक हम के लिए हम आ, नई वीडियो तैयार करेंगे और आपके पास भेजेंगे सेंड करेंगे एट लास्ट मैं आप लोगों से आप सभी स्टूडेंट्स से फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने का फ़ायदा एक ही होगा कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन इमीजिएटली आ जाएगी अल्टीमेटली एट लास्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू